इस आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, आप कह सकते हैं कि री एडवर्टाइज्ड रिक्रूटमेंट टीचिंग पोस्ट पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों काफ़ी पोस्ट हैं। डिटेल्स ऑफ द पोस्ट विथ क्वालिफिकेशंस स्पेशलाइजेशंस एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस एटसेट्रा आर अंडर। तो आप अलग अलग आप कह सकते हैं कि पोस्ट निकले हैं, जैसे कि स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में है एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक इसी में इतने एसोसिएट प्रोफेसर के निकले हैं और कई बैकलॉग हैं, कई आपके कह सकते हैं न्यू वैकेंसीज हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में भी है, कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस में भी, साइंसेस में भी है, उसके बाद कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेस में भी है, उसके बाद अगर आप देखेंगे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग भी है। टोटल 26 पेज का है, तो काफ़ी लंबा वैकेंसी निकला है दोस्तों अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए। अगर आप इस सब्जेक्ट से ना भी हों, जो भी सब्जेक्ट से हों उनको आप ज़रूर शेयर करें। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के लिए देखिए काफ़ी पोस्ट हैं, अलग अलग ब्रांचेस में होंगे, अलग अलग कैटेगरीज के लिए भी है। स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए है, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस के लिए भी है। तो साइंस इंजीनियरिंग और मे बी आर्ट्स के लिए ऊपर था ही, और देखते हैं सोशल साइंसेस के लिए क्या क्या, फिजिकल साइंसेस के लिए भी है ना। स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेस हो गया, संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज़ के लिए भी है, स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिकुलर मेडिसिन के लिए भी है। तो काफ़ी पोस्ट है दोस्तों, अभी तक तो 49 आ गया है। कैनेडियन एंड यूएस एंड लैटिन अमेरिका स्टडीज़ के लिए भी है, ये इंटरनेशनल स्टडीज़ के जो सेंटर्स हैं उनके लिए है, अलग अलग में है, आप देख सकते हैं। कुछ अगर मैं ना बोल पाऊँ इसका मतलब वो नहीं, ऐसा नहीं मानना है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद भी देखिएगा, ठीक है। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, सेंटर फॉर इंटरनेशनल लीगल स्टडीज़ के लिए भी है, लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़ के जो स्कूल है उसके लिए भी कई तरह के, अरबिक में दिख रहा है मुझे, इंग्लिश दिख रहा है, चाइनीज़ दिख रहा है, फ्रेंच दिख रहा है, जर्मन है, इंडियन लैंग्वेजेस है, कोरियन है। सोशल साइंसेस के लिए भी है दोस्तों, इकोनॉमिक स्टडीज़ का है पहला, दूसरा अगर मैं बात करूँ हिस्टोरिकल स्टडीज़ के लिए है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मीडिया स्टडीज़ के लिए भी है, और सारे पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ही है दोस्तों, जहाँ तक दिख पा रहा हूँ मैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ही है। पॉलिटिकल स्टडीज़ के लिए है, कम्युनिटी हेल्थ मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ यानी कि सोशल वर्क में इसके लिए है, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट के लिए भी है, ओके, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स के लिए भी 123-25, जाकिर हुसैन सेंटर फॉर एजुकेशनल स्टडीज़ के लिए भी है। एसोसिएट प्रोफेसर की ये वैकेंसी है दोस्तों, जो कि टोटल मैं बात करूँ तो 126 वैकेंसीज है। आप इसको सर्कुलेट कीजिए, आप अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करके आप जल्दी से वैकेंसी को फुलफिल कीजिए और अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कीजिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं जानकारी दे पाया, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद जय भारत।